दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रंगमंच टीवी और फिल्म अभिनेता अशोक बंठिया से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज हम स्वागत कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में अशोक बंठिया जी का। 1983 में आई जाने भी दो यारों, इस फिल्म में आपके किरदार से, और उसके बाद आज तक सक्रिय हैं। बहुत लंबा कार्यकाल आपका अभिनय के क्षेत्र में, लेकिन और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आप काम कर रहे हैं, तो वो क्या क्या क्षेत्र हैं, तो कैसे ये यात्रा आपकी चलती रही और आज तक चल रही है, आज क्या कर रहे हैं, इस सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें यहाँ बुलाया। मैं शुरुआत से शुरू करूँ तो मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ और बड़ी ही ऑर्थोडॉक्स परिवार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ नाटक और एक्टिंग और इस विधा के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं थी। मेरे परिवार में भी इस तरह की बातें भी नहीं होती थी। और तो और, वहाँ मैंने इस तरह का काम शुरू किया और नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। तो मतलब कैसे, जब घर में कहीं दूर दूर तक उसकी हवा भी नहीं थी तो आपको कैसे लग गई? जी हाँ, ये पता नहीं, ऐसा था कि मेरे में बचपन में एक चीज आई, पता नहीं क्यों, कि सड़कों पे या ये जो मदारी लोग हैं या कोई भी वो साइकिल चलाने वाला होता था, उन सब लोगों को मैं घंटों देखता रहता था और ऐसे मजा आता था मेरे को कि यार ये परफॉर्म करते हैं, और मैं ऑडियंस की तरह तालियां बजाता था, छोटा सा था। तो शायद वहां से कोई बीच आया। और मेरे पिता फिल्में देखने के बड़े शौकीन थे, फिल्में बहुत देखते थे, हमसे छुप के देखते थे, घर में किसी को बताते नहीं थे लेकिन वो अकेले ही फिल्म दिखाते थे। तो शायद उनकी आवाज बहुत ही बढ़िया आवाज थी पिताजी की मेरी, तो शायद वो थोड़ी आवाज भी उनके वजह से मेरे पास आई है। जी, बहुत अच्छी तो आपकी आवाज। कहीं से मुझे लगता है कि आर्ट आता तो है अपने परिवार में, आप उसे पहचानते नहीं है, उसे जानते नहीं है, उसके बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि बिजनेस फैमिली, चलिए बिजनेस करेंगे तो हम उसके साथ उनके साथ बिजनेस, और आसपास के सारे माहौल में बिजनेस होता था जी। हर व्यक्ति बिजनेस की बात करता, वही बात की करता बात था। ही नहीं करता था। तो कहां से आर्ट आ जाएगा आपके अंदर? हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर था, तभी आप उसको देखते रहते थे। जरूर। तो वहां एक मंगल सक्सेना उदयपुर में थे, उनकी एक त्रिवेणी संस्था थी, तो वहां उन्होंने 3 नाटकों का फेस्टिवल करवाया। भारतीय लोक कला मंडल एक जगह है जी, जहाँ कठपुतली का बहुत बड़ा काम होता था, देवीलाल सामर जी उनके संस्थापक थे। तो मैंने कहा कि यार ये नाटक क्या है, 3 नाटकों का फेस्टिवल आया, तो मैं देखने चला गया। देखा, मैंने कहा अरे वाह, ये तो कुछ अद्भुत चीज है। अच्छा। लोग तालियां बजाते हैं, आप मंच पे होते हैं और लोग तालियां बजाते हैं। तो फिर उन्हीं में से एक मेरा दोस्त भी था, उसने कहा कि चलिए मंगल जी से मिलते हैं। मैंने कहा चलिए चलते। वो दिन था, मंगल जी से मिला मैं, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। नाटकों का शौक, पढ़ने का शौक, नाटक पढ़ने का शौक, कविताएं लिखने का शौक, कविताएं पढ़ने का शौक। क्या बात। तो मंगल जी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, मैं शुरू में ही सुना देता। स्वागत स्वागत। चांदनी की बादली से भरा हो गगन तले, बनी हो मगन मुग्ध नन्ही सी कुटिया, तोतले सुनाती नीड पुष्पों से जड़ी, छोटी सी फुलवारी हो, सबके घरों में हो किंतु न्यारी न्यारी हो। वाह। दुबला सा रास्ता हो, दुबला सा रास्ता हो, सबसे ही वास्ता हो, शंख बजाता कोई, समीरन गाता हो, कोयल गुंजन गान सबको सुनाता हो। क्या बात है। 4 रोटी तनिक मधु, थोड़ी सी दाल हो, सबके घरों में हो किंतु न्यारी न्यारी हो। तो यहां से मेरी जर्नी शुरू होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस सोच से मेरी जर्नी शुरू होती है, वहीं से मेरा थिएटर शुरू होता है। और मैं करीब कितने 7-8 साल मंगल जी के साथ काम करता रहा। फिर लगने लगा कि अब स्टैग्नेंसी आ गई। ये किस सन की बात होगी लगभग? ये 72-72 की। बड़ा मुश्किल है ये, मतलब उस समय वहां पर कला की इस तरह बात करना और उसमें रचना बसना, और फिर भी जबकि आपके घर में व्यापार होता था। बिल्कुल। मैं तो बाहर, मेरे को सुला दिया गया था, वरांडे में सुला दिया। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी कि घर वालों ने डांटा नहीं? जी जी, अरे डांटा मतलब कहाँ जा रहे हो। उनको ये लगने लगा था कि ये बच्चा अगर हमारे साथ रहा तो मतलब ये 1 और 1 11 हाथ है, पता नहीं
क्या मेरे में था कि उनको लगने लगा था कि इसको नहीं निकलना चाहिए, इसी हमारे साथ रहेगा तो बहुत अच्छा, और मैं कहीं और भटकने लगा था कला के साथ। एक बार की बात है कि मैं एक नाटक में एक्ट कर रहा था, मैं अपने पिताजी के पास गया उदयपुर में ही। अच्छा। मैंने कहा पापा आप आइए, आज हमारा नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है, लक्ष्मीनारायण लाल का एक नाटक था। तो उन्होंने डांट दिया मेरे को कि नहीं देखना, मेरे को गुस्सा तो था ही वो उनके अंदर, लेकिन मैं बड़ा प्रेम से जाता था उनके पास, उनको कन्विंस करने की, उस उम्र में भी मैं कन्विंस करने की कोशिश करता था कि अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है कि आपने विद्रोह नहीं किया। नहीं नहीं विद्रोह नहीं किया मैं, बड़े प्रेम से, लेकिन उन्होंने नहीं माना इस बात, फिर भी मैं थिएटर की तरफ रहा। तो मैंने कहा आइए, तो उन्होंने कहा नहीं आऊंगा, डांट दिया मुझे बुरी तरह से। मैंने कहा फ्री है, अच्छा टिकट भी नहीं तो कहते हैं कि आपने एक और, मैंने एक और किया तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं आऊंगा। जब मैं मंच पे था शाम को जी, तो मैंने देखो पीली पगड़ी पहनते थे, राजस्थानी मेवाड़ी पगड़ी पहनते थे, और मैं जब गया देखा, मैं मंच पे था और मैंने देखा कि एक पीली पगड़ी वाला व्यक्ति बीचों बीच का ही ऑडियंस में बैठा हुआ है, एंड दैट वाज माय फादर। तो आप देख लीजिए कि पिताजी ने कहीं तो इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था जी इसको। अब बड़ा इमोशनल है लेकिन मेरे लिए तो बहुत हाँ, ही उनका आना मतलब आपके लिए तो बिल्कुल अलग ही दुनिया, आज भी याद करके आंसू आ जाते हैं मतलब। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि सार्थक हो गया उनके आने से। अशोक जी बातों का जो प्रवाह है इसमें व्यवधान डालना वैसे तो उचित नहीं है, लेकिन कहिए तो गीत सुनते हुए आगे बढ़े। मैंने तो शुरू से एक ही गाना बहुत पसंद करता हूँ, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले। वाह क्या बात है, एक ऐसे गगन के तले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले।
एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। तो इस तरह से मेरा थिएटर शुरू हुआ। फिर मुझे किसी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मुझे बताया कि NSD है एक और आप एडमिशन ले सकते हैं। उदयपुर में स्टैग्नेंसी आ गई थी, हीरो बन गए थे। अच्छा। अपने आप को पता नहीं स्टार समझने लगे, शहर जानता। पान की दुकान पे खड़े होने लग गए थे, सिगरेट पीने लग गए थे जी। लोगों ने कहना लग गया पूरी नक्शेबाजी, अरे पूरा पूरा मतलब हमारे सिवा कोई है ही नहीं। समाज को दूर से देखना, ये जो इतनी बड़ी गलती जो करता है ना आर्ट फील्ड में आने वाला, जिस समाज से निकलता है समाज को बोझ की तरह अपने कंधे पे लेता है, उसके बाद दूर खड़ा होकर सिगरेट पीते हुए समाज को देखने लगता है, और जब वो समाज से दूर होता है तो उसे वो चीज नहीं मिलती है जो समाज से ही मिलनी चाहिए। क्या बात है, वाह। जी हाँ बिल्कुल। और मैं आज भी ये कहना मेरा है कि मेरा कैरेक्टर, मैं जो आर्ट फील्ड में आता हूँ, थिएटर में रहता हूँ, या आर्ट हो का कोई भी अलाइड आर्ट हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, कोई भी हो, वो समाज से आती है जी, परिवार से आती है, वो दूर रह के नहीं आती है। और आप उसी को छोड़ते जाते हैं, उसी से डिटैच होते जाते हैं, तुम कुछ नहीं हो, मैं ही सबसे ग्रेट हूं। एंड व्हाई 90% फेल्योर आर्टिस्टों का मुंबई में स्ट्रगल या कहीं पे भी देश के क्यों है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है इसका कि ये लोग समाज से दूर होते जा रहे हैं। अपने परिवार को, अपने समाज को कॉन्फिडेंस मिलने लो कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, जड़ों को छोड़ देते हैं। जड़ों को क्यों छोड़ रहे हैं, और आप उनको क्यों एक इस तरह का इंप्रेशन देने लगते हैं कि अरे आप लोग कुछ नहीं है। हाँ। और आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आंसर दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप अवॉइड कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, आप एस्केप कर रहे हैं, इनफैक्ट रादर एस्केप कर रहे हैं उससे, और ये एस्केप करना ही फेल्योर की बात है, कारण है। क्यों 90% 95% एक्टर्स जो यहाँ काम करने आते या कहीं पे भी स्ट्रगल कहीं पर करते भी, इस किसी भी कला के क्षेत्र में किसी भी कला के क्षेत्र में हमारे सक्सेस रेट है 5% 10%, फिर भी हम जद्दोजहद करते रहते हैं 10-10 सालों तक 15। अरे एक्टर बना नहीं है और एक्टर का बोझ लेके घूम रहा है, म्यूजिशियन बना नहीं है, म्यूजिशियन का बोझ लेके घूम रहा है, पेंटर बना नहीं है, पेंटर का बोझ ले, कंधे के ऊपर जो सिर इतना भारी करके बैठा हुआ है उसको हल्का करो भाई, और तभी कलाकार बनने की कोशिश करो। अपना कैनवस, एक आर्टिस्ट का कैनवस क्या है, मेरी बॉडी, ठीक है, अगर मैं इसे साफ नहीं रखूंगा तो मेरी नई पेंटिंग नहीं बनेगी मेरे ऊपर, और अंदर का कुछ भी झांकता हुआ दिखेगा तब भी वो खूबसूरत नहीं बनेगी। लेकिन रोज सुबह उठ के अगर मैंने साफ कर लिया और रगड़ रगड़ के साफ कर लिया, क्लीन हो गया और मैंने डॉट भी लगाया तो नई पेंटिंग शुरू हो जाएगी। क्या बात है, वो पेंटिंग दिखेगी, वो शुरू हो जाएगी दिखना। तो मुझे लगता है कि हम कहीं रास्ता भटक रहे हैं। तो फिर ये जो पेंटिंग थी अशोक जी की जी, उदयपुर से निकलकर मुंबई आई साफ होकर? नहीं मुंबई नहीं आई अभी तक, फिर तो, कैसे अभी तक तो बहुत लंबा रास्ता है। फिर तो मैं, मेरा एक दोस्त था जो कठपुतली नचाता था, अच्छा, विलास जानवे, वो चंडीगढ़ में, दिल्ली तो मेरे को ड्रामा स्कूल तो लेट हो गया जी, और चंडीगढ़ में वो जो है उसने कहा कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है इंडियन थिएटर, यहाँ एडमिशन है, उसने टेलीग्राम किया था, वो आज टेलीग्राम मेरे पास है इस समय। अच्छा। उस समय का, उसने कहा भाई आजा, 7 दिन है एडमिशन के, और अगर आ गया तू तो इंटरव्यू भी हो जाएगा और शायद एडमिशन भी हो, यहाँ 200 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, स्कॉलरशिप भी थी, स्कॉलरशिप था। मेरी माँ ने एक मेरे को अंगूठी दी हुई थी। अच्छा। मोती की, मोती था उसमें सफेद रंग की और चांदी में थी, उसका इतना पैसा मिला कि मैं टिकट खरीद पाया चंडीगढ़ का। और मैं चंडीगढ़ निकल गया। तो घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया। तो बताया तो होगा आपने कि जा रहा हूं? माँ को थोड़ा सा पता था, चोरी ऐसे, हाँ चोरी चोरी कुछ कुछ पता था कि ये जा रहा है, और उम्र क्या, 23-22। खैर, दैट वाज द डे आई लेफ्ट उदयपुर और मैं चंडीगढ़ पहुंचा, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने टॉप किया, 65 बच्चे थे और मैं वहां पे एडमिशन हो गया मेरा 200 रुपए स्कॉलरशिप पे, वहीं रुक गया मैं, और हॉस्टल में कमरा मिल गया था और मेरा फोकस हो गया था। अच्छा, वहां एक और उदयपुर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं थी चंडीगढ़ में उस समय। अच्छा। तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, एडमिशन हो गया मेरा, प्रोविजन एडमिशन हो गया, लेकिन मैं अब मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं देते थे वो लोग, क्योंकि अभी तक एडमिशन नहीं हुआ था। तो 7 महीने लग गए थे। अच्छा। लेकिन कुमार वर्मा वहां के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इडिपस नाम का एक नाटक था सोफोक्लेस का, वो नाटक मैंने किया,
उसमें मेन रोल किया और कुछ पंजाबी कल्चर पे काम करता रहा, पंजाबी कल्चर को सीखा, पंजाबी भाषा को थोड़ा सीखा जी। और वो सारे करते हुए मैंने एक साल वहाँ निकाला और उसी दौरान मुझे ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का पता चला कि कुमार वर्मा मेरे सीनियर थे वहीं के, जो डायरेक्टर उन्होंने सपोर्ट किया। दिल्ली में इंटरव्यू था और इंटरव्यू हुआ, मैं पास हो गया और तीन साल ड्रामा स्कूल, फिर वो भी स्कॉलरशिप पे था। अच्छा, इस बीच परिवार मुझे ढूंढता रहा। ओह ऐसा? जी हाँ बिल्कुल, वही इमोशनल, वही सेंटिमेंट्स और वो अच्छा भी लगता था मुझे कि मैं अभी भी परिवार से जुड़ा हूँ। ऐसा नहीं मैंने परिवार को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया है जी। ना, मैं होना भी नहीं चाहता था, पूरी तरह से डिटैच नहीं होना चाहिए। मैं चाहता था कि मैं जो कर रहा हूँ उसे सपोर्ट करे, समझे, एक्सेप्ट करे, समझे, लेकिन मैं ये करता रहूंगा। इस बीच मेरे पिताजी ने मेरे अखबारों में जो नाम आते थे नाटकों में काम करते हुए, वो मुझे याद है, बताया उन्होंने मेरे परिवार में कि मेरे पिताजी उसको पढ़ पढ़ के वो जो कैसेट्स होती थी उसमें रिकॉर्ड करते थे। ओहो, अच्छा। क्योंकि उसमें मेरा नाम आता था, तो वो कैसेट्स अभी भी हैं जी। अभी भी करीब 200-300 कैसेट्स मेरे पिताजी की अभी भी वहां पे एक अलमारी में रखी हुई है, जहां उनकी आवाज में मेरा नाम जब आता था वो कितने खूबसूरत तरीके से उसे बोलते थे, रिपोर्ट पढ़ते थे। सच अ वंडरफुल, क्या ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन बींग हम लोग कहाँ छोड़ते हुए जा रहे हैं, यू नो, इतना सुंदर है सब कुछ, इतना अच्छा है, खाली इंटेलेक्चुअलाइज करके हम उसे बर्बाद कर रहे हैं। सहज तरीके से चलते क्यों नहीं है, सहज तरीके से लेते हुए क्यों नहीं जाते। खैर, तो जब ड्रामा स्कूल में तीन साल बिताए, स्कॉलरशिप पे था, बहुत मेहनत थी वहां पे और बहुत मजा भी आया, बहुत नाटकों में मेन रोल किया, बैक स्टेज किया, और हम सारी क्राफ्ट को जानते थे ड्रामा स्कूल में, हम हर चीज करना, सब चीज सिखाते हैं, सब चीज, वो फाइनल ईयर में हम स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो आप सबसे ज्यादा किस में काबिल थे? एक्टिंग में। एक्टिंग में जी, एज एन एक्टर और क्राफ्ट्स में। अच्छा, क्राफ्ट्स में, क्राफ्ट्स में मैं काफी अच्छा था और एक्टिंग में। म्यूजिक में तो प्रॉब्लम थी मेरी। अच्छा। म्यूजिक में तो एक दिन बीवी कारंत का नाम तो आपने सुना ही होगा, बीवी कारंत हमारे डायरेक्टर थे जी, जी। उन दिनों तो एक बार, अच्छा मैं कोई भी काम भले तल्लीन से करता था, तो एक बार याद है मुझे ड्रामा स्कूल में हम लोग क्लास चल रही थी म्यूजिक की, और गार्डन में लगा रखी थी क्लास में, मैंने आंखें बंद करके बड़े तल्लीन से कुछ गा रहा था, तो अकेला ही गा रहा था, सब चुप हो गए, और जब आंख खुली तो कहीं बाबा दूसरे कारंत बाबा दूर कहीं खड़े हुए ऐसे ऐसे उछल रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, ऐसे उछल रहे हैं। तो मैंने कहा क्या, सब लोग पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, कि नहीं अशोक का सुर पकड़ने की कोशिश। तो म्यूजिक में थोड़ा सा इतना भागता था सुर बंसिया बजाई, अरे कैसी बंसिया बजाई, श्यामा सुध बिस राई, तरे रे तरे रे तरे रे रे, भूल गया यार, तरे रे तरे रे तरे रे रे रे, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा, दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे, हाँ दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे, क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा, हु।
दुनिया की गाड़ियाँ, दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा? हाँ हाँ तुमने ठीक कहा। अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। डु 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 डि 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 डु 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 डि 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 डि। दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। हाँ दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई मैंने ठीक कहा? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत था जी, तीन चार डायरेक्टर्स बाहर के आए थे, फ्रिट्ज बेनेविट्स के साथ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जैसा नाटक किया था, जॉन क्लार्क ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उनके साथ हमने थॉर्नटन वाइल्डर्स का स्किन ऑफ टीथ किया, और इस तरह से बाहर के जो डायरेक्टर्स आए थे उनके साथ, एक इंडोनेशियन थे उनके साथ काम किया। तो जब सेकेंड ईयर में था मैं, तो जॉन क्लार्क आए ये स्किन ऑफ ओवर टीथ करने, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनसे कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया में इंस्टीट्यूट है उसका क्या सिस्टम है, कैसे एडमिशन होता है, क्या है। तो मैंने काफी जानकारी लेने की कोशिश की जी। तो थर्ड ईयर में जब हम सभी ऑल स्टूडेंट्स या तो बॉम्बे की तरफ भागता है, जो कि हर एक स्टूडेंट ये प्रॉमिस करता है कि नहीं मैं अपने शहर में जाके थिएटर करूंगा, थिएटर करूंगा जी, इंटरव्यू में कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं थिएटर करूंगा, लेकिन वो बंबई की तरफ ही आ जाता जी। है। इसका भी कारण है, और वो कारण बहुत जेन्युइन है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखिए आप दो टाइम का खाना नहीं कमा पाएंगे। मैं आज भी व्यावसायिक थिएटर की तरफ बात करना चाहता हूं, होना चाहिए जी। मराठी थिएटर है, गुजराती थिएटर है जी, अंग्रेजी थिएटर है जी, हिंदी थिएटर क्यों नहीं है? अभी भी मेरे को घर से चादर उठा के लानी पड़ती है, स्टूल उठा के लाना, क्यों है? इसके कारण में बहुत डीप है, क्या है, इतनी कोशिश करता हूं कि समझ जाऊं इस बात को, लेकिन नहीं, बस सोच की बात है। और हमें लगता है जैसे कि आपने कहा कि घर में अभी भी वो स्वीकार नहीं करते कि हाँ इस दिशा में कोई जाए, तो जाहिर है कि एक रिकॉग्निशन अभी तक उसको नहीं मिला एक व्यावसायिक तौर पर उसको, नाटकों को। ये कारण भी हो सकता है, ये कारण भी हो सकता है, जैसे बिजनेस होता है उसमें तो स्वीकार हो जाता है, लेकिन अगर इसमें इसी तरह से पैसा रहे और व्यावसायीकरण इसका हो जाए तो एक आय का माध्यम हो जाए अच्छी तरह से नाटक, तो जाहिर है कि घर वाले भी स्वीकार कर लेंगे कि अच्छा ये है। तो फिर मराठी और गुजराती में क्यों है? शुरू से देखिए, नहीं शुरू से यहाँ पर मराठी की अगर बात करें, मुझे जैसा लगता है जहां तक जानकारी, बस एक अपने विचार की बात है, शुरू से एक पूजा की तरह देखा गया इन सब जगहों पर। हिंदी थिएटर का तो पैशन बहुत ज्यादा है अशोक जी, लेकिन आप ये तो सोचिए कि हम फिर, जैसे आपने कहा आपके घर में जो शब्द इस्तेमाल किया गया कि ये किसी और लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, नाच गाना ये इन सब चीजों को त्याज माना गया, तो इस तरह से नहीं, अध्ययन अध्यापन भी बस सर्वोपरि रहा। या आपके अगर व्यवसाय है तो व्यवसाय को ही माना गया कि बस जीविकोपार्जन के लिए यही ठीक है, कला को नहीं दिया गया महत्व। हाँ वही मैं बार बार यही प्रश्न कर रहा हूँ कि क्यों नहीं दिया गया। हाँ लेकिन अब इसकी जरूरत है, और अभी भी उतने मुखर लोग नहीं हुए हैं जितने कि हो जाने चाहिए, क्योंकि अब तो देख रहे हैं, जैसे कि एक जमाना था कि कहते थे खेलो मत, है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, लेकिन अब मान लिया कि नहीं, खेल की दिशा में बहुत अच्छी है आपकी तरक्की है, तो धीरे धीरे शायद हो जाएगा। हो सकता है, मतलब मुझे लगता है कि आर्ट भी, आर्ट जब तक परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। अशोक जी क्या लगता है आपको, अभी आप बात कर रहे हैं जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि हाँ आपके बच्चे इसमें जाएं?
हाँ बिल्कुल, अरे है ना, I'll be the first person to send them. हाँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे बड़े एक्टर भी होंगे, चाहे किसी और भी क्षेत्र में हो, वो अभी भी कहते नहीं मैं तो आ गया ठीक है, बच्चे तुम लोग ना आना इसमें। अब नहीं, ये भी सुना है मैंने। अब ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं है। अभी देखिए आप पूरे देश में जी कई फैमिलीज हैं जो 5 साल के 6 साल के बच्चे को स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। जी वो तो देखिए देखना इसलिए चाहते हैं कि पैसा है और लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, इसलिए चाहते हैं। तो फिर ये कौन सा, वो कहीं पर वहां पर कला का उद्देश्य कहीं नहीं है अशोक जी। कला का है, वो बिजनेस। अब 4 साल के बच्चे को अगर हम देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लालच है कि ग्लैमर है और पैसा बहुत है। वो भी आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, है ना। पढ़ाने में हमें लाखों खर्च करने पड़ेंगे अभी चला जाए, लेकिन फिर चाहते हैं कि नहीं साथ साथ कोई टेक्निकल, कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी ऐसा ले ले प्रशिक्षण भी साथ साथ। सही है, सालों से हुआ है। जो जो चाइल्ड आर्टिस्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हुए। नहीं हो सकते ना, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता का दबाव है। हो सकता है उस बच्चे का मन ना रहा हो। हाँ। 4 साल के बच्चे को क्या पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी माँ कहाँ लेके जा रही है, पिता कहाँ लेके अच्छा जा रहा है। करता हूं, तो बस पहुंचा दिया। अच्छा वो तो देखिए हम लोगों घर में भी 4 लोग मिल जाते थे, देख लेते थे, ताली बजा देते थे, हम खुश हो जाते थे। हमने तो कभी नहीं सोचा कि हमें पैसा, हाँ मिलता था 1-2 रुपए तो वो भी अच्छा लगता था। एक कविता सुना दी हम खुश, है ना, 2 श्लोक सुना दिए हम खुश। हाँ ये सारी चीजें तो है। तो वो प्रदर्शन तो बचपन से होता रहा घरों में। मैं आपकी बात लेकिन बिल्कुल एग्री करता हूं। हाँ तो ये चीजें तो है, लेकिन हिपोक्रेसी तो है। हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं अपने बच्चे को आर्ट पे नहीं देखना चाहता, लेकिन दूसरे बच्चे को देख के एंटरटेन होना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी, ये हमारे देश में इसको हटना चाहिए, कम होना चाहिए। कला को सम्मान से देखना चाहिए, कला को सम्मान से देखना चाहिए। कला अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए फिर आपकी रुचि से नहीं जाता है, कहीं ना कहीं इसलिए जाता है कि हमें फिर पॉपुलैरिटी मिलेगी, हमें यहाँ पैसा मिलेगा, लोग जानेंगे, इसलिए भी आना चाहते हैं। तो थिएटर नहीं है ना, फिल्म और उसमें है। हाँ फिल्म में है, लेकिन थिएटर की बात, थिएटर अशोक जी इसलिए करते हैं कि हम उसी के माध्यम से जाएंगे। रास्ता वही है, गली वहीं से जाती है, कारण यही है ना। सही कह, तो लालच कहीं ना कहीं है। जब किसी भी चीज में जब आप लालच से जाते हैं तो वो बात नहीं बनती। हाँ बिल्कुल, तो पैशनेटली करना पड़ेगा आपको, उसके उस पे विश्वास करना पड़ेगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं कला के, कोई सा भी फील्ड, चाहे पेंटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे थिएटर हो, चाहे बिल्कुल, उसका अगर पैशनेटली काम नहीं, जैसे आज हम, मैं देखता हूं कि जितने भी थिएटर इंस्टीट्यूट से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनका थिएटर गायब हो जाता है। वो 10-10, 15-15 सालों से बंबई आके थिएटर ही नहीं कर पाते हैं। वो नहीं कर पाते क्योंकि वो रास्ते बदल लेते हैं अपने, किसी और तरफ चले जाते हैं। और दूसरा एक है कि जितने भी सीनियर थिएटर या आर्ट के जुड़े हुए लोग, म्यूजिक से या पेंटिंग से, अब उन्होंने उन, आप 60 साल के हो गए, परिवार बना हुआ है, अब उनके पास जीविकोपार्जन की कोई साधन नहीं है। कोई वर्कशॉप मिल गई तो पैसा ले लिया, कोई म्यूजिक का प्रोग्राम कर लिया तो पैसा ले लिया। अब उनकी भी कोई गलती नहीं है जी, कि आज अगर वो दूसरे रास्ते अपनाते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं भैया तू कमा, घर में तो कुछ है ही नहीं खाने, बिल्कुल दाल रोटी तो चले, दाल रोटी तो चले। तो ये इतना गडमड हो गया है, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, या तो संस्कार में डाले। लेकिन फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि अशोक जी ने जाने भी 2000 कैसे की। अच्छा तो मैं बंबई पहुंचा जी ड्रामा स्कूल करने के बाद, और मैं उस बीच मैंने ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन के लिए अपना फॉर्म भर दिया था। बिल्कुल, जो आपने जानकारी हासिल की, तो के साथ जो जानकारी हासिल की थी, तो मैंने उसको बोला था मैं आना चाहूंगा जी। तो कहते यस यू कैन, बट फॉर्म वॉर्म भर दिया और मेरे पास चिट्ठी भी आ गई। अच्छा, कि 1 साल के लिए आप आ सकते हो वहां पे, स्कॉलरशिप है वहां पे भी। अच्छा, $100 पर वीक था, तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरे पास 3-4 महीने थे, वो मैं 82 पास आउट हुआ और 3-4 महीने थे मेरे पास, तो मैं बंबई आया। मैंने कहा यहाँ थोड़े से 4-5 महीने देख लेते हैं कैसा क्या है, उसके बाद वहाँ ऑस्ट्रेलिया तो जाना था। मेरा वीज़ा भी बन गया था, पासपोर्ट भी बन चुका था, सब आ गया था। तो मैं बांद्रा में अपने किसी मित्र के साथ घूम रहा था जी। नेक्स्ट डे में मेरी फ्लाइट थी, सुधीर मिश्रा कुंदन शाह के असिस्टेंट थे जी, उस समय सुधीर हमको जानते थे दिल्ली से। अरे अशोक शाम को क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ, कल की फ्लाइट है। अच्छा अच्छा एक काम कर, चरनी रोड स्टेशन आ जा, वहाँ पुल पे एक सीन है, उधर को करना है। रवि बासवानी और नसीर के साथ मेरे को एक सीन करना है। तो ये जाने भी दो यारो, ये मेरी पहली फिल्म
और पहला ही काम, और वहाँ उस रात मैंने उसको किया था, वो भी नसीर भाई और रवि वासवानी के साथ। ये मेरे को सुधीर मिश्रा जी ने दिलवाई थी। तो बस उसी दिन शूट किया वो आपने। एक दिन किया था, उसके बाद वो फिल्म करके मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। अच्छा अशोक जी, बातों का जो प्रवाह है इसमें व्यवधान डालना वैसे तो उचित नहीं है, लेकिन कहिए तो गीत सुनते हुए आगे बढ़े। लगान का गाना है ना? कौन सा गाना आपको? ये अपना बारिश वाला गाना जो काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर गिर आए गिर के आए, कहे मन मचल मचल दिन बदल, तू घर से निकल बरसने वाला अब हमने रेत जल। दुविधा के दिन बीत गए भैया मलहार सुना, चमक चमक देखो बिजुरिया चमके, मन धड़काए बदलवा, मन धड़काए बदलवा, मन मन धड़काए बदलवा। अगर बरसेगा कौन फिर तरसेगा, कोयल गाएगी बैठी मुंडेरों पर, जो पंछी गाएंगे नए दिन आएंगे, उजाले मुस्कुरा देंगे अंधेरों पर। प्रेम के बरखा में भीग भीग तन मन, धरती पे देखेंगे पानी का दर्पण। देखियो वहाँ वहाँ की धरतियाँ बहने सात रंगों की चुनरिया, घन घन गिर गिर आए बजरा, घन घन और कार छाए बजरा, धमक धमक गूंजे बजरिया ढंकन, चमक चमक देखो बिजुरिया चमके, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं भूलों के बाण चलाओ। Thank you.
अब गली गली हंसेगी अब गली गली हवा जो चली करत लगी भली चला दे जो तन मन वो धूप ढली काले मेघा काले मेघा पानी तो बरसाओ पानी तो बरसाओ बिजली की तलवार नहीं बूंदों के पान चलाओ बूंदों के पान चलाओ ऑस्ट्रेलिया का मेरा एक साल का प्रवास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। अंग्रेजी नाटक मैंने पहले जिंदगी में नहीं किए थे, ड्रामा स्कूल में भी अंग्रेजी का अनुवाद जरूर किया था लेकिन अंग्रेजी बोली नहीं थी। अच्छा, अंग्रेजी से एक्सपोजर तो मेरे को ड्रामा स्कूल में पहली बार मिला क्योंकि मैं तो छोटे शहर से आया था जी। और एक साल तो ऐसे निकल जाता है कि क्या हो रहा है, दूसरा साल आप घुसने की कोशिश करते हैं कि करें अब, और तीसरा साल होते होते आप कहते हैं अरे चौराहे पे खड़े हो गए, अब जाएं कहां। तो ड्रामा स्कूल में है 3 साल का, तो मेरा पहला एक्सपोजर वहां पे। फिर पैसे की कमी होने लगी तो सबने कहा कि सब लोग यहाँ काम करते हैं, रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं वहां पे, तो मैं सुबह 6 बजे से इंस्टीट्यूट जाता था, शाम को 6 बजे खत्म करता था, वहां से बस पकड़ता था, एक इंडियन रेस्टोरेंट थी उसमें काम करना शुरू किया, कुछ पैसे मिलने लग गए और रात को 12-12:30 बजे तक वहां काम करता था। मैंने बर्तन भी धोए हैं जी। मैंने ग्लासेस भी धोई हैं, मैंने सर्व भी किया है 1 साल तक बहुत मजे से, पर बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत हर काम को, नाटकों में काम किया। हाँ, नाटकों में क्या अलग सीखने को मिला आपको, वहां पर क्या लगा आपको? मैं जब एयरपोर्ट से घर, मतलब जॉन क्लार्क लेने आए थे मुझे पिक, अच्छा खुद आए थे, गाड़ी में ऐसी बड़ी गाड़ी थी, मैं पहली बार बैठा था ऐसी गाड़ी में, ऊपर से दरवाजा भी खुल गया था और लाइटें भी जल रही थी, और मैंने कहा, और बेल्ट बांधना भी उस समय मुश्किल था। मैंने ढूंढा कि किस तरह से कमर का बेल्ट बांधते थे, इंडिया में नहीं था उस समय, बिल्कुल नहीं था। खैर वो एक्सपीरियंस, और रास्ते में मेरे को कहा कि हम लोग एक प्ले कर रहे हैं पियर गिंट इब्सन का, उसमें पियर आप कर रहे हैं, क्या बात। मैंने कहा जॉन Am I playing the peer? Yes, you are playing the main peer. अब वो नाटक मेरा 1.5 महीना सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी की लाइन याद करने में गया। वो मेरा पहला नाटक था अंग्रेजी का। अब वहां क्या है कि सवेरे जिम होता है, अच्छा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में योगा होता है जी। ये सबसे बड़ा फर्क, सबसे पहला वहां जागते ही कि आप जिम में चले जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द एक्टिंग का जो स्टाइल था, जो क्राफ्ट था, जो सिस्टम था, वो फिजिकल एक्सटर्नल था, अच्छा, और हमारे यहाँ इमोशनल है, emotional. हम इम्बाइब करते हैं, वो अंदर की तरफ ले जाते हैं, वो बाहरी जो एक्टिंग का स्टाइल, वो एक स्ट्रगल। मैं क्योंकि ड्रामा स्कूल करके गया था जी, 3 साल यहाँ पे करके गया था, और वहां इस तरह का शुरू में जिम जाना, काली कपड़े पहन लेना, ये भी था रेसिज्म ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा, उसको भी मैंने झेला। वो यंग बच्चे ही वो कहते हैं कि वी नो इंडिया, तो मैंने कहा व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया, तो कहते हैं कि एक मैगजीन आया जी, जी, जी। और उसमें जो फोटोग्राफ होते थे उससे इंडिया को जाना जाता था। अब वो पीपल स्लीपिंग अंडर द ब्रिज, पुअर, ये वो, तो मेरी लड़ाई होती थी, मेरी काफी लड़ाई होती थी कि मैं ये क्या क्या सुन रहा हूँ। हाँ, आपको स्वीकार नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा मेरे को, कैसे देश को समझो, आओ तो अगर बहुत खूबसूरत रह कर देखो जी, बिल्कुल सही बात है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, सारे देश जैसी गंगा
बाद में नाटक करता रहा उनके साथ, उनका नाटक का स्टाइल अलग था, बट दैट इज ऑल्सो लर्निंग। आप अपने आप को डिटैच करके कैसे अटैच होते हैं किसी नई लर्निंग से, वो आप दूर रह के खुद को दूर रखते हो और फिर उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हो। बहुत खूबसूरत सिस्टम है। कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है आपको, हिंदुस्तानी या ऑस्ट्रेलियन थिएटर का तरीका? देखिए, उनके हिसाब से उनका अच्छा है, हमारे हिसाब से हमारा अच्छा है जी, है ना, क्योंकि अब वो वहाँ वो एक्सेप्टेड है। हाँ, दर्शक भी वही पसंद करेंगे, जाहिर है एक्सेप्टेड है, सबको वही एक्सेप्टेड है, तो वही होगा, दर्शक को भी वही अच्छा लगेगा, दर्शक को भी वही अच्छा लगेगा। हमको यहाँ पे जितना रोना धोना, इमोशनल और कॉमेडी अलग, पहले पूरा भरना पड़ता है अपने अंदर उनको, तो क्योंकि मैं एक एक्टिंग का जो कैनवस है, जो बेसिक कैनवस है, वो तो एक ही जैसा है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा होगा, प्रोसेस वही है, सिस्टम वही है जी। लेकिन आप जब परफॉर्म करने जाते हैं तब आप ऑडियंस के लिए करते हैं, तो वहां की ऑडियंस अलग हो जाती है, तरीका बदल जाता है, तरीका बदल जाता है। तो वो जो तारतम्य है मेरा ऑडियंस के साथ, मैं परफॉर्म करता हूँ, ऑडियंस मेरे तक आती है, वापस मैं जाता हूँ ऑडियंस में, तो वो जो तारतम्य है वो ऑडियंस के हिसाब से बनता है। तो हिंदुस्तानी एक्टिंग और वहां की एक्टिंग में फर्क नहीं है, सिर्फ वो है कि आप उसको एडप्ट कैसे करते हैं, उस काम को एडप्ट कैसे करते हैं। तो मैंने फिर वहां पे शुरू किया और एक बार ऐसा भी लगने लगा कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है। अच्छा जी हाँ, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी उनको, मैंने कहा कि आई एम नॉट एंजॉयिंग इट। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप पूरे देश में अलग अलग रिहर्सल्स देखने जाइए। तो मैंने पूरा ऑस्ट्रेलिया देख लिया, उसी हिसाब से वो मेरे को एडिलेड भेज देते थे, तो एक हफ्ता रुक के आता था, मैं रिहर्सल देखता था दूसरे लोगों की, वो बहुत अच्छी लर्निंग थी। तो मैं जो लोग थे वहां के उनके साथ भी रहा, अच्छा, दो तीन हफ्ते उनके साथ खाना खाया, वो कैसे खाना पकाते थे, झोपड़ी में भी रहा, इस तरह से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर हिंदुस्तान वापस लौटना था जी, 6 दिन बाकी थे और मेरे लेटर बॉक्स में एक पत्र मिला मुझे कि एक यहाँ की प्राइवेट कंपनी है, फिल्म मेकिंग कंपनी, वो एक सीरीज बना रही है बॉडी लाइन, और बॉडी लाइन में आप इंटरव्यू के लिए अगर आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि बॉडी लाइन, क्योंकि मैं ना लंच आवर्स में जी कई विद्यार्थियों को इकट्ठा करके फोक डांस सिखाता था, अच्छा, डांस सिखाता था तो मेरे को किसी ने देख लिया उसमें, वो सजेस्ट कर दिया कि ये बॉडी लाइन कुछ उसकी वैसी होगी। तो मैं बॉडी लाइन नाम का शब्द सुना नहीं था पहले जी, तो मैंने कहा चलो अच्छा है करते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में जी। तो मैं चला गया उनके ऑफिस में, पहुंचा, बड़ा ऑफिस था, कैनेडी मिलर। तो उन्होंने मुझे रिसीव करके, जॉर्ज ओगिलवी नाम के एक डायरेक्टर थे,
Have you heard about Patodi? पहला प्रश्न. मैंने कहा yes, I heard about Patodi. I have seen him playing. के ओह अच्छा 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 अच्छा. और अब इतने में हम उनके कमरे में पहुंच गए. क्योंकि इस Patodi को जानते हैं. मैंने कहा ये Patodi एक फोटो लगा हुआ था. अच्छा फोटो मैंने कहा ये Patodi के जो Patodi आप जो इसकी बात कर रहे हैं इनके पिता हैं. ओह वो है इफ्तिखार अली खान Patodi. जी जी जी. वो इंग्लैंड से खेला करते थे और क्रिकेट जी. और हम सीरीज बना रहे हैं बॉडी लाइन एक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचेस की एशेज सीरीज होती है जो आज भी होती है जी. 1933 की थी वो. और उसमें Patodi एक कैरेक्टर हैं जो इंग्लैंड से खेलते थे वो आपका. अब देखिए कि कितना मतलब एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल कि मैं जब सेकेंड ईयर में था यहाँ ड्रामा स्कूल में तब हमें टूर पे ले गए थे उडुपी यक्षगान सिखाने के लिए. अच्छा वहां एक अंग्रेज मिला उससे मेरी बातचीत शुरू हुई. वो ऑस्ट्रेलियन था मार्क गोल्ड उसका नाम था. उससे बातचीत होते होते दिल्ली आ गए वापस से. वो भी दिल्ली आ गया. उसके पास रहने को जगह नहीं थी जी. मुझे बोला कि क्या मैं 2 दिन आपके कमरे में रह सकता हूँ. मैंने कहा आ जाइए. उनको मैंने ठहराया जी. कट्टू में ऑस्ट्रेलिया जब गया तो वहां मुझे मिले. क्या बात है. वहां मुझे मिले. जब बॉडी लाइन का इंटरव्यू आया और कहते हैं कि ये ब्रिटिश एक्सेंट है इस कैरेक्टर का जी. Patodi ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते थे. अब मैंने कभी सुना ही नहीं था ब्रिटिश एक्सेंट कैसे होता है क्या कानों में कभी गया ही नहीं था. तो मैंने मार्क गोल्ड को कहा कि यार ये ब्रिटिश एक्सेंट क्या है. तो उसके पास एक स्टूडियो था छोटा सा. अच्छा मार्क गोल्ड के पास. उसने एक ब्रिटिश एक्टर को बुलाया. वो पूरा का पूरा मेरा जो सीन था वो रिकॉर्ड किया और कहा दिस इज ब्रिटिश एक्सेंट तुम ले जाओ. और देखिए कहां से कनेक्ट हुआ है. क्या बात है. मैं उडुपी से कनेक्ट होके ये मार्क गोल्ड वहां पे मेरे को ये मदद करता है. इसलिए कोई भी चीज खराब नहीं जाती है जिंदगी में. हर चीज हर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आता है. तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ. 13-15 लोग एक कमरे में बैठे हुए मैं पढ़ रहा हूं और मैंने पढ़ा. नो यू आर एक्टिंग टू मच जस्ट रीड इट. तो मैंने फिर से एक बार कहीं से कोने में से एक आवाज आई आई थिंक ही इज गुड. और मैंने वो रोल पा लिया. फिर एक साल और मैं बॉडी लाइन करता रहा उनके साथ. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस. बहुत प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काम करने का तरीका और सब कुछ करते हुए. प्रोफेशनल ये शब्द हम लोग अक्सर सुनते हैं. क्या मतलब इसका आपको क्या लगता है. आप डिसिप्लिन है. प्रोफेशनल इज नथिंग एल्स डिसिप्लिन. एक्टर डिसिप्लिन होता है. एक्टर का जो भी काम है कलाकार जी जी अगर डिसिप्लिन के अंदर है वो प्रोफेशनलिज्म है. मैं उसी को मानता हूँ प्रोफेशनलिज्म कि आप डिसिप्लिन है. समय से 11 बजे यहाँ आना है जी. तो 10:45 बजे पहुंचिए आप. है ना ये डिसिप्लिन है. और 1:30 बजे अगर लंच ब्रेक है तो मेरे को आपसे नहीं पूछना पड़ेगा. आप मेरी बॉस हैं. आपसे नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं काम छोड़ दूं क्या. क्योंकि 2:30 बजे मुझे वापस पहुंचना है. तो 1:30 बजे मैं जहां था वहीं का वहीं छोड़ दूंगा. क्योंकि ये नाउ दिस इज माय टाइम. लेकिन 2:30 बजे मुझे वहां होना है. तो प्रोफेशनल तो मैं उस डिसिप्लिन के अंदर हूं. तो मेरे ख्याल से वो जो डिसिप्लिन है वो संस्कार हमारे में है ही. वो अभी तक आ गया. अभी तक चल रहा है मेरे में है. क्या बात है. कहीं पे भी देखें आप. मैं तो उससे पहले भी था ड्रामा स्कूल में भी था. अच्छा तो खैर ये बॉडी लाइन करता रहा. उसके बाद मैं आ गया हिंदुस्तान आया. सिंस देन बड़े मजे से मैं काम कर रहा हूँ. मैंने थिएटर नहीं छोड़ा. अभी भी मैं थिएटर कर रहा हूँ. मैंने कई नाटक किए हैं. एक नाटक है चाणक्य के नाम जी मनोज जोशी के साथ जिसके मैं 1700 शो कर चुका हूँ. 1700 शो पूरे देश विदेश में हम लोग इस नाटक को करते रहे. और जलियांवाला बाग इन दिनों कर ही रहा हूँ मैं. वो भी बहुत एक अच्छा नाटक है. उसके शोज भी हैं. और इस बीच कई और दूसरे भी नाटक किए. दूसरे नाटकों में एक्टिंग किया. मोहनजोदाड़ो में एक नाटक था उसमें भी काम किया. तो नाटक नहीं छूटा. फिल्म और टेलीविजन कंटिन्यूस करता रहा हूँ जी. और फिल्म और टेलीविजन से जो जितना भी कमाता हूँ मैं नाटकों में डालता हूँ. नाटकों से मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरा होता रहता है. और इस तरह से मैं मेरी हैप्पी परिवार संतुलन रखते हैं. दोनों में संतुलन रखते हैं. दोनों में संतुलन रखता हूँ. पैशनेटली काम करता रहता हूँ. ज्यादा की जरूरत नहीं है. कोरोना में कुछ नहीं ज्यादा की जरूरत थी नहीं. दो टाइम का खाना मिल जाए बस और आराम कर लो. उसमें उतने ही पैसे लगते हैं. तो क्यों मैं ज्यादा की तरफ भागूं. देखो सही बात है. Thank you.
Yeah.
बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे रंगमंच टीवी और फिल्म अभिनेता अशोक बंठिया से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत। ये था इस बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अपना बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, रॉकिंग है, रोलिंग है, अपना बॉम्बे टॉकीज, डूपर है, अपना बॉम्बे टॉकीज।